अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द टेस्टी स्पून। आज एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, गोला कबाब प्लेटर की विद स्पेशल सॉस। के लिए हमें 1 किलो चिकन का कीमा चाहिए, 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए, 3 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 अदद सब्ज मिर्च और 3 अदद लाल मिर्च, 1 कप शिमला मिर्च और 2 बड़े प्याज और 1/2 कप ब्रेड क्रम्स के। अब मसालों की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून दादरी मिर्च, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और सुनाए सबका क्या हाल है। अब हमने चॉप किए हुए कीमे में चॉप की हुई प्याज और चॉप किए हुई मिर्चें डाल देनी है। मैंने पहले से ही चॉप कर ली थी, आप भी चॉप कर लीजिएगा। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बन के बहुत ही मज़ेदार होंगे। अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे, ब्रेड क्रम्स डालेंगे और ये सब मसाले डाल देंगे। इनसे ही तो हमारे कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। हमने सब चीज़ें डाल ली। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नरम हाथों से मिक्स करिएगा। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको गोला कबाब की शेप कैसे देनी। इसके लिए हमने थोड़ा सा कीमा लिया हाथ में, उसका बॉल बनाया और फिर इसके लिए स्ट्रॉ की ज़रूरत चाहिए। इसके अंदर डाल के ज़बरदस्त किस्म के आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे एक एक करके। जब ये सारे कबाब बन जाएं तो इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाएं। अपनी दावतों में इस डिश को ज़रूर शामिल करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम सॉस की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें 1 कप पानी चाहिए। दो बड़े टमाटर, 1 बड़ा प्याज चाहिए और 3 लाल मिर्चें चाहिए। इससे आपकी सॉस का टेस्ट और भी ज़बरदस्त होगा। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। देखें, ये पकना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। जितना पेस्ट गाढ़ा होगा उतनी आपकी सॉस ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। ये देखें, बिल्कुल मैश हो गई है। अब इसमें 1/2 कप पानी और डालेंगे, थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे, फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। जब ये पक जाए हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और ये जो कबाब हमने बना के रखे थे उसको अब हल्के से फ्राई करना है। देखें, थोड़ा सा गैप लाजमी दीजिएगा वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं। साथ साथ इसका कलर गोल्डन होता जा रहा है। बिल्कुल मज़ेदार बनेंगे, आपकी फैमिली आपसे दोबारा डिमांड करेगी बनाने को। कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब इसका प्लेटिंग का टाइम है। मेरे चैनल को साथ साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाएं। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।